मेरे पास दुनिया के हर बड़े शहर में महल होता, मेरे अपने जहाज होते, गली में रहता हूं, तुम्हारे बच्चों और तुम्हारी नस्लों के लिए स्कूल बनाए हैं मैंने, यूनिवर्सिटी बनाई है मैंने, तुम्हें कदर नहीं है उसकी, तो ये तुम्हारी कम नसीबी है और मेरी इसलिए ये कम नसीबी है कि तुमने उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश की और तुमने बहुत कुछ खो दिया। मैं शेर के मुंह से पार्लियामेंट छीन कर लाया था, 1952 के बाद पार्लियामेंट की कुर्सी तुम्हारे हाथ में आई थी, तुम्हारे पास आई थी और खो दी, विधानसभा खो दी तुमने, स्वर खो दिया तुमने, टांडा खो दिया तुमने, क्या क्या खोते चले जाओगे। एक वक्त वो आएगा जब तुमसे तुम्हारा वजूद छीन लिया जाएगा और तुम्हें तुम्हारे पहचानने के लिए कोई शख्स पूरे हिंदुस्तान की जमीन पर खड़ा हो नहीं। इसलिए जरूरी है कि अपनी आंखें खोलो और वक्त से टक्कर दो, एक फौलादी दीवार बन जाओ और सच का साथ दो, दिखाओ नफरत के परचम फैलाने वालों को। ये बहन बैठी है हमारी, ये बेटी बैठी है हमारी, और हम इसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाकर अपने सवाल उठवाएंगे, अपनी लड़ाई। अगर आप अपने इस नौजवान साथी के उस तकलीफों का, उन रातों और उन दिनों का जब मैं 106 बुखार में रोजा और कोरोना में तड़प रहा होता था, ये रोता होता था बेटा, हम कितनी जंगे लड़कर आए हैं, मगर जानते हैं कि आसमान की ऊंचाई पर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के एक पर का टुकड़ा टूट के निकल गया। मैं सोचता था अल्लाह जमीन पर हमारी राख भी नहीं मिलेगी, हमारे लोग दफन क्या करेंगे, मेरी कब्र कहां बनेगी, मेरा जनाजा कहां होगा। मैं जिंदा उतर आया, मैं कोरोना से जिंदा आ गया, मैं तुम्हारे लिए और इंसानियत की हिफाजत के लिए जिंदा लौटा हूं, मैं भी जिंदा रहूंगा, ये भी जिंदा रहेंगे, ये भी जिंदा रहेंगे, और इंशाल्लाह आप भी जिंदा रहोगे और सिवाय खुदा के तुम्हारी नसीब में कभी